सर। हाँ जी क्या है? ठीक है सर। बड़ी शिकायत आ रही है आपकी। सर हमने शिकायत की। एक क्लाइंट आ रहे हैं, आप डील नहीं कर पा रहे हैं, उसी कंपनी में जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? ये तो हमें सरासर नुकसान हो रहा है। सर ऐसी ऐसी बात है कि हमारी कंपनी सरासर लॉस में जा रही है, उसमें आपको नुकसान नहीं है, नुकसान हमें हो रहा है, हमारी कंपनी को हो रहा है। आप तो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं और बैठे हुए आराम से, ऐसा नहीं चलेगा। काम प्रॉपर करें, प्रॉपर तरीके से काम करें। ऐसा अगर आप करेंगे ना तो फिर ये कंपनी चलना मुश्किल हो जाएगी। सर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन अगर नहीं हो पा रहे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी मैं कोशिश तो भरपूर कर रहा हूँ अपनी। आपकी कोशिश से कुछ नहीं होता, आप मेहनत करें। ये पिछले हमारे मेडल्स हैं जो पिछले महीने में मिले, और अभी देखिए जिस दिन से आपको बिठाया ऐसा हमें कुछ नहीं मिला। हम क्या करें यार, आप हमें बताएं, आपको हमने नुकसान के लिए थोड़ी रखा हुआ है, हमें फायदा दे, खुद भी कमाए, हमें भी कमाने दे। ये ऐसा नहीं चलेगा यार। मैं कोशिश करूंगा आपके। कब कोशिश करेंगे? जब कंपनी, अब क्या बोलूं यार आपको, आप जाएं और प्रॉपर तरीके से आप काम करें। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। अब तुम जाओ अपने काम पे ध्यान दो, जाओ। ठीक है सर। हाँ काम तरीके से करो। ओके सर। क्या ऐसे लोग। परेशानी में था कि जो आपके बंदे हैं मेरे से जो वीजे के लिए जो पासपोर्ट मेरा और कार्ड और सारी चीजें और पैसे भी लिए हैं, अगर आप मेरी मदद करें तो आपकी बड़ी मदद। आप फिक्र ना करें, बंदा हमने ट्रेस कर लिया है, बहुत जल्द वो हमारे शिकंजे में होगा और आपका एक रुपया हम उसे रिकवर कर लेंगे। आपकी मेहरबानी सर, थैंक यू सर। आप जो भी मुझे करेंगे, मैं जो भी मामला दूंगा आपसे करूंगा, ये मेरा पक्का वादा है आपसे कि मैं आप ही से करूंगा, बाकी किससे नहीं करना मैंने, बस सिर्फ आपसे करना है काम। बस आप कोशिश कीजिएगा कि दोबारा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जो भी करूंगा, मैं आपके साथ ही जो भी मेरे मामला दूंगा वो आपके ऊपर ही होंगे, बस खत्म मेरी बात। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे मशवरे से चलेंगे तो कामयाब होंगे, और बगैर इससे कोई कदम नहीं उठाना आपने। जो भी कदम उठाना है हमसे पूछ के उठाना है, नुकसान होगा। तो सर मैं क्या करूं, बंदा लालची है। ना आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अगर मेरे लिए कर रहे तो मैं शुक्रिया। अच्छा आप ऐसा करें कि आप ठीक है कल मुझसे मिल सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, कल आप आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ उसको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा ठीक है, जाए ना। हाँ जी हाँ, वीजे मैंने सबमिट करा दिए थे, इंशाल्लाह एक दो दिन में क्लियर हो जाएंगे। हाँ आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके चलो ठीक, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो, तशरीफ रखें। थैंक यू जी सर, आपने मुझे बुलाया, आपकी कॉल लगी थी मुझे। जी जी मैंने आपको बुलाया था, बात दरअसल ये थी कि आपने काम तो बड़ा अच्छा किया है, काम जबरदस्त किया आपने, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, और इस बार आपको मैं तो चाहता हूँ बोनस भी दूँ आपको और अप्रिशिएट करूँ आपको। थैंक यू सो मच। लेकिन ये सामने वाली जो एजेंसी है ये हमारे मुकाबले में अच्छा जा रही है। सर देखें, आपको पता है यहाँ पर ईमानदारी से काम करना कितना मुश्किल है। अगर मैं क्वांटिटी को देखती हूँ
तो मयार गिर जाता है, वो मयार को देखती हूँ तो क्वांटिटी गिर जाती है। आखिर आप भी बताएं ना, तो क्या किया जाए फिर इस सारे मामले। मैं समझता हूँ कि अखबार में इश्तिहार दे दे या कोई कमर्शियल दे दे, इससे कुछ। देखिए सर, आप इस इश्तिहार को दे रहे हैं अखबारों में, लेकिन किसी तरीके से हमारा कमर्शियल भी चलना चाहिए ना, और इसके साथ हमें फायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि लोग पाई पाई जमा करके हमारे पास जमा कराते हैं और फिर बाहर जाके उनके साथ कोई धोखा ना हो, मेहनत कशों के साथ। देखिए सर, आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसे बखूबी तरीके से निभा रही हूँ, और आगे भी आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं। जो एजेंट्स है जो थोड़े से कमीशन के लिए लोगों से झूठे वादे करते हैं और झूठे बयान दे के उनको वीजा दे देते हैं, और वो लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको वो मराद, वो सहूलियात, उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वही लोग या तो वापस आ जाते हैं, नुकसान कर देते हैं, और यहाँ वहाँ बैठ के बेचारे हमें अपनी दुआई दे रहे होते हैं। तो एजेंट्स के साथ बिल्कुल काम मत करो, खुद करो। देखिए सर, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पहले एक बंदा रखा था वीजे के लिए, लेकिन वो फ्रॉड निकला, उसकी काफी सारी कंप्लेंट्स थी, तो मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। अभी मैंने एक नया बंदा हायर किया है, तो उसकी भी एक कंप्लेन अभी आई है। एक गरीब मस्कीन सा बंदा है, उसके साथ उसने फ्रॉड किया हमारे वीजे के नाम पे, क्योंकि हमारी एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया है। अभी उसको भी मैंने निकालना है, और उस गरीब बेचारे के जो पैसे हैं वो उसको मिल जाए, उसका पासपोर्ट उसे मिल जाए, तो चलो किसी गरीब का भला हो जाए। और अभी तक कोई कंप्लेन हमारे ऑफिस की इस तरह की ना है और ना ही आगे होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताना। अब सही कह रही है, हमें ऐसी काली भेड़ों को बेनकाब करना है। बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे होगा, बेफिक्र। मैं समझता हूँ कि तुम इस काम को बखूबी अंजाम दोगी। जी सर, आप जा सकते हैं। चलिए सर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, मुझे लेट हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अब कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मसला नहीं है। हाँ जी जमशेद साहब, अब बताइए। जी जी, अब ऑफिस में हूँ, आप आ सकते हैं। सलाम वालेकुम सर। सलाम वालेकुम सर। बड़ी ज्यादती हुई है। क्या बल्कि इसने ज्यादती, क्या मतलब? 100 वीजे इसने छप्पर में रख लिए, अब क्लाइंट को ये ब्लैक में बेच रहा है, लोगों को फ्रॉड कर रहा है। किसने? एजेंट है, और हम लोगों पे फ्रॉड का इल्जाम लगा रहा है सपना ट्रेवल एजेंट। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं क्या शर्म, मुझे कोई पैसे दे तो मैं काम करूं, किसे काम करूं? आप लीगल तरीके से काम करे, वीजे लेके लोगों की खिदमत करे, ना कि दो नंबर तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाए। ये तो हमारा काम खराब करे आप। वो आपका काम कैसे खराब होगा जब मेरा काम नहीं होगा? कई लोग तो वहां गए हैं, उनकी नौकरियां भी नहीं लगी, उनको तो टिकट का वापसी का मुश्किल हो गया है। इसमें हमारा कसूर तो नहीं है कि वो पैसे नहीं दे रहे। अब राजा साहब आएंगे, वो इसका फैसला करेंगे। ये आ गए। अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर, तुम तो बहुत ज्यादा फ्रॉड ही निकले। तुम मजबूर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, 100-100 वीजे दे रहे इन लोगों को, ये आगे ब्लैक कर रहे, ये बताने आओ? ये तुम मुझे बता रहे? मुझे सब पता, सबकी मालूमात रखता हूँ, कौन से और कब वीजे आते हैं। ऑफिसर तुम बताओ। सर, इसने हमारे नाम पे दो नंबर काम शुरू किया होगा। गरीबों के नाम पर तो वीजे लेते हो और इस्तेमाल करते हो गलत जगह, मुझे संभालू नहीं। मैं सारे काम अपने हाथ में लूंगा तो तुम लोग क्या करोगे? ये किस चीज की मालूमात रखता हूँ, हर काम पे निगाह रखता हूँ, मेरे खुद अपने लोग ऐसे हैं, तुम जो करते हो तो बस समझ लिया कर, मुझे पता नहीं चले, मुझे सब। मेरे पास 2 लोग ऐसे हैं मेरे अपने। कौन है सर? एक दुबई में है और एक यहाँ है, और दोनों अपने काम में माहिर हैं, और तुम पर और दुबई वालों पर निगाह रखे हुए हैं, और इसके साथ साथ वीजे की वसूलियाबी के लिए भी मेरे साथ कॉपरेट करते हैं। मुझे वीजे की वसूली के लिए क्यों तकलीफ नहीं होती है?
वही लोग मेरा साथ देते हैं, लेकिन वो ईमानदार है। तुम लोग भी अगर ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारे पैसे में भी इजाफा होगा, मेरे यहाँ के लोग भी ईमानदारी से बाहर जाएंगे और अपने बच्चों के लिए कमाएंगे। तुम लोग जरा महसूस करो कि मैं तुम्हें हर दफा अपने साथ रखता हूँ। इतनी तुम गलतियां करते हो मेरे साथ, फ्रॉड करते हो पैसों का हर चीज का। सर ये लोग खुद फ्रॉड करते हैं, इल्जाम हमें ठहराते हैं। सर हमारे नाम पे इसने लीजिए दिए हुए, मुझे पता है फ्रॉड ये। सर मैं ये इनसे पूछे यही करते हैं जो मुझे परेशान। ये सर इल्जाम है, हम इनसे पूछ सकते हैं। ये तो आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम लोगों को सही रास्ते पर आना चाहिए, मैं इसलिए तुम्हें बार बार मौके देता हूँ। ये आदमी कौन है? सर मैं सपना ट्रैवल एजेंट के साथ काम करता हूँ, एक छोटा सा एजेंट हूँ। सपना नहीं है वो जो उसके ट्रैवल एजेंट में जॉब करता हूँ, वो जो लड़की खूबसूरत है। वो जो लड़की है ना उसका भी मुझे पता है, सब पता है मुझे। मेकअप बहुत करती है वो, लेकिन ये कि वो भी अगर इस तरह से काम करेगी, इस तरह तो ये होगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब ये मिल के काम अब जो है ना उसमें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये लोगों ने उसको बहुत आसान समझा हुआ है, इसलिए कि ये लोग वीजे के चक्कर में लोगों को फंसाते हैं और अपने नोट बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सही मानों में काम करते हैं और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, ताकि बेचारे वो जब चाहते हैं। सर ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये फ्रॉड हो कहाँ से रहा है और कर कौन रहा है, ये समझ नहीं। सर हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वीजा लग जाए, अब क्या करें अगर एम्बेसी। बाज लोग ऐसे होते हैं जो खेल वालों के साथ जाते हैं, उसी मुल्क में गुम हो जाते हैं।